जान की भीख मांगता रहा रेणुका स्वामी, एक्ट्रेस पवित्रा गोंडा ने लात मारकर कहा तू जीने लायक नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी तिवारी एंड यू वाचिंग बीके साउथ। बेंगलुरु के चर्चित रेणुका स्वामी मर्डर केस में पिछले 3 महीने में कई खुलासे हो चुके हैं और चार्जशीट दायर किए जाने के बाद और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में कन्नड़ स्टार दर्शन और पवित्रा गोंडा जून से जेल में बंद है। पुलिस ने इस मामले में बुधवार 4 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमे आरोपी दर्शन और पवित्रा गुंडा के कपड़ों पर खून के धब्बों समेत 230 सबूत पेश किए गए। इस बीच एक बात सामने आई है कि पवित्रा गुंडा ने रेणुका स्वामी से कहा था कि वो जीने के हकदार नहीं है, यहां तक कि उसने थप्पड़ तक मारा था। पुलिस ने दायर की गई चार्जशीट में क्राइम सीन से ली गई एक तस्वीर भी पेश की, जिसमें रेणुका स्वामी आरोपी के सामने अपनी जान बख्शने की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई। दर्शन ने 15 लोगों के साथ मिलकर रेणुका स्वामी की बुरी तरीके से पिटाई की और लहू लुहान कर दिया। वो दोनों से हाथ जोड़कर जान बख्शने की विनती करता हुआ नजर आया। रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में बताया गया है कि पवित्रा गोंडा ने रेणुका स्वामी को थप्पड़ मारा और कहा कि तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। पवित्रा ने बाद में रेणुका स्वामी को लात भी मारी और वहां से चली गई। पवित्रा ने जब रेणुका स्वामी को लात मारी तो उनके सैंडल और कपड़ों पर खून लग गया। पुलिस ने 17 आरोपी के कपड़ों पर मिले खून के धब्बों से फोरेंसिक रिपोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद ये सारी बातें सामने आई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि क्राइम सीन पवित्रा और दर्शन दोनों मौजूद थे। क्राइम सीन एरिया की सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों साथ में दिखाई दिए। उनके मोबाइल की भी लोकेशन वहीं की थी। चार्जशीट के मुताबिक रेणुका स्वामी को मौत के घाट उतारने से पहले उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। बिजली के झटके देने के लिए एक मैगर मशीन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे उसके टेस्टिकल्स भी फट गए थे। बहरहाल, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है और इस न्यूज सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।